कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने लगाई बंदिशें, जारी किए नए दिशा निर्देश। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने कई बंदिशें लगा दी है। इस संबंध में बीते दिनों कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था। रविवार को अवकाश के दिन राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में 23 मार्च के बाद मेलों का आयोजन नहीं होगा। अभी जो मेले चल रहे हैं वे हर हाल में 23 मार्च तक निपटाने होंगे। 25 मार्च के बाद सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगर जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जा सकेंगे। स्थानीय प्रशासन इस पर कड़ी नज़र रखेगा ताकि नियमों की अवहेलना न हो। सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50% लोगों को ही आने की अनुमति होगी या ऐसे कार्यक्रमों में 200 से ज़्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे। इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50% लोग ही आ सकेंगे। वहीं नो मास्क नो सर्विस के आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए गए हैं। मास्क ना पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बसों, रेल, टैक्सियों में बिना मास्क सफर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों, मंदिरों, लंगर सभागारों, स्कूल कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, दुकानों, निजी कार्यालयों में बिना मास्क सेवाएं नहीं मिलेंगी। धाम, लंगर आदि में सेवाएं देने से पहले खाना बनाने और परोसने वाले स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाना होगा। बिना कोरोना टेस्ट और बंद परिसर कमरे में लंगर लगाने पर रोक रहेगी। नए दिशा निर्देशों को पंचायतों और शहरी नगर निकायों के साथ ही साझा किया जाएगा। इस दिशा निर्देशों की अवहेलना पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच रविवार को उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेड़ी मेला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं को एंट्री देने से पहले उनका स्वास्थ्य जांचने के लिए ऊना जिला प्रशासन ने पंजाब की सरहद पर तंबू गाड़ दिए हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से श्रद्धालु मेड़ी मेला देखने के लिए पहुंचे हैं। दियोट सिद्ध, चामुंडा, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, बज्रेश्वरी माता के दर्शनों के लिए पहुंचे इन श्रद्धालुओं को हिमाचल पंजाब के प्रवेश द्वार मेहतपुर पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। श्रद्धालुओं की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम को विशेष तौर पर तैनात किया गया है, जो प्रदेश में एंट्री पाने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर उनकी कोविड रिपोर्ट की जांच कर रही है। SDM ऊना निधि पटेल ने प्रशासनिक बंदोबस्त को दुरुस्त बनाए रखने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। सोशल मीडिया पर अफवाहों के बीच DC राघव शर्मा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक लगाने की बात को सिरे से नकार दिया है। DC ने कहा कि प्रदेश के अंदर लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी तरह की कोरोना रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेड़ी मेले के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि लोग किसी तरह की अफवाहों में ना आएं और ना ही अफवाहें फैलाएं। वहीं बाबा बालकनाथ मंदिर दियोरसिद में चैत्र माह मेलों के चलते रविवार को कोरोना से बेखौफ श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर बाबा के जयकारों से गूंज उठा। रविवार को मंदिर में खासी रौनक रही। हालांकि कोरोना महामारी के दौर में श्रद्धालु सामाजिक दूरी का पालन करना भूल गए। कई श्रद्धालुओं ने मास्क भी नहीं लगाया था। भगवान में आस्था के चलते लोग कोरोना से बेखौफ होकर मंदिर पहुंचे। रविवार होने के चलते भारी मात्रा में श्रद्धालु शनिवार रात को ही मंदिर में पहुंच गए और सुबह 4 बजे से ही कतारों में दर्शनों के लिए लग गए। श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हो रहा है, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से अधिकतर श्रद्धालु बाबा के दर्शनों से वंचित रह गए थे। मंदिर अधिकारी कृष्ण ठाकुर ने बताया कि रविवार के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को न्यास प्रशासन बेहतर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कोरोना के मद्देनजर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाया जा रहा है, लेकिन भीड़ अधिक उमड़ रही है। अभी मेलों को शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ है और चढ़ावा 1 करोड़ के करीब पहुँच गया है। श्रद्धालु बाबा के दरबार में दिल खोलकर दान कर रहे हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी के बटन पर भी क्लिक करें।